हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे न्यू व्लॉग में। तो दोस्तों, आज है तीज और मेरा तीज का व्रत है। तो दोस्तों, आप सभी को तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं। और देख सकते हैं, मैं मेहंदी भी लगाई हूँ। ये देखिए, ये मैं अपने से लगाई हूँ दोस्तों। मेरे को भी आ जाता है हल्का फुल्का मेहंदी लगाना। तो कैसा लग रहा है मेरा मेहंदी, ज़रूर बताना, है ना। और रात बहुत हो गया था तो एक ही तरफ लगा पाई, इसको भी ना लगाते लगाते इतना ज़्यादा नींद लग रहा था मेरे को, बहुत रात हो गया था। तो वहाँ से आते आते हम लोग को लेट हो गया था। तो आई हूँ, फिर खाना वाना बनाई हूँ, दो तीन ठो सब्जी, करेला का दो ठो सब्जी बनाई थी, एक ठो भुंजिया बनाई थी, और वो जो पका करेला था उसको टमाटर के साथ बनाई थी, पनीर की सब्जी बनाई थी, फिर दाल बनाई थी, चावल बनाई थी, पूड़ी बनाई थी। इतना सारा बनाते बनाते बहुत रात हो गया था, 10 बज गया था। तो 10 बजे हम लोग खाना खाए, उसके बाद ना जो वो होता है ना, क्या बोलते हैं, आज जो खाते हैं हम लोग ठेठरी खुरमी, तो जो खुरमी का तैयारी करी और सलोनी का तैयारी करके रात को ही रख दी थी। अभी मैं बनाऊंगी उसको। और मिश्री के पापा भी अभी नहीं गए हैं, अभी नाश्ता वास्ता किए हैं और मैं भूखी हूँ। और मेरे को रोक लिए थे इस बार मज्जा अपने मायके करके, और खुद खा रहे हैं, उनको भी नहीं खाना चाहिए और हंस रहे हैं। तो दोस्तों, अब इस बार मैं अपने मायके नहीं गई हूँ, क्योंकि मिश्री के पापा बोले इस बार यहीं रुक जा, मज्जा हर बार तो जाती है। तो मैं बोली ठीक है। और मेरे भैया फ़ोन किए थे कि आऊँ क्या लेने के लिए, तो मैं बोली इस बार नहीं आ रही हूँ, अगले बार से आऊँगी। तो अभी इस बार यहीं हूँ। और मिश्री के पापा मेरे लिए बहुत सुंदर साड़ी ली है, मेरे को तो बहुत पसंद आया, आप लोग को भी दिखाऊंगी कैसा लगा। उसके लिए कल मैचिंग का चूड़ी वगैरह लेने गई थी मैं। तो दोस्तों, आप लोग को दिखाऊंगी मेरा साड़ी, कैसा लगा ज़रूर बताना, है ना। तो चलिए दोस्तों, आप लोग बने रहिए ब्लॉग में। और क्या क्या करते हैं आज तीज के दिन, आप लोग को सब कुछ दिखाऊँगी। ठीक, और कटेगी ना हाथ में, दे धार धार को क्यों पकड़ रही है, कटेगी ना, दे छोड़। मिश्री बात माना कर, मैं ले ले रहा हूँ तो और लूट रही। तो ये देखिए दोस्तों, अभी क्या बन रहा है जी, फिर पकड़। आई क्या बन रहा है देखिए दोस्तों, उसी टी शर्ट को फिर पहन लिए। अरे तू भी ना, दूसरा नहीं है जी आपके पास? हमें बहुत गरीब हूँ, मेरे को और चाहिए बहुत सारी से। घर में पहनने से क्या होता है, वीडियो बनाते रहती है, दिखाते रहती है। तो ये फटा को क्यों पहनते हो, और तो है इतना सारा टी शर्ट, उसको पहना करो ना। नहीं है हुँ? नहीं है आपके पास? नहीं है तो ये क्या बना रहे हो बताओ, क्या बना रहे हो? इसको क्या बोलते हैं मैं भी नहीं जानता, तो बना क्यों रहे हो खुरमी, क्या बोलते हैं खुरमी। ये देखिए दोस्तों, रात को इसको मैं तैयार करके रख दी थी और फ्रिज में ही रख दी थी। तो अभी इसको काट रहे हैं बेल के, अब मैं इसको छानने का तैयारी करती हूँ। और लड़ना नहीं दोनों बाप बेटी, इसको तो मैं काटूंगी, छोड़। कुछ है का इसके लिए बढ़िया वाला डिजाइन देने के लिए? गिलास में काटो ना। और आइए दोस्तों, आप लोग को दिखाती हूँ ये क्या है इसमें। ये ना मैदा है, ये देखिए, इसको अच्छे से ढक के रख दी थी रात को, रात को ही इसको भी कर दी थी। तो ये देख सकते हैं, इससे मैं सलोनी बनाऊंगी और बनाएंगे ठेठरी। उसके लिए बेसन चाहिए, तो ज़्यादा कुछ नहीं बनाऊंगी, इतना सब कुछ बनाऊंगी। तो चलिए जल्दी जल्दी करते हैं इसको। Yeah.
तो देख सकते हैं दोस्तों, फाइनली 2 घंटा मेहनत करने के बाद मेरा सब कुछ बन के रेडी हो गया। ये देखिए, ये मेरा खुरमी है, ये मैदा का सलोनी बनाते हैं वैसी है जो आप लोग को दिखाई थी। ये ठेठरी भी बना लिए, इसको ठेठरी बोलते हैं। और ये सलोनी है, और ये भजिया है, और ये बेसन का है, इसका सब्जी बनाऊंगी मैं अभी, और भजिया का भी सब्जी बनाऊंगी। तो मैं इसको पहले से बना के रख ली हूँ क्योंकि रात को बनाऊंगी, क्योंकि फिर पूजा करने जाऊंगी। तो ये सब मेरा रेडी है, अब मेरे को सिर्फ बनाना है हलवा और ये सब्जी वगैरह। रात को पूरा मेरा काम हो गया है, तो मेरे घर का पूरा काम हो गया है। और अभी हो रहा है शाम, 4 बज रहे हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि मेरे को कुछ लेना है, मैं वो लेके आ जाती हूँ। तो दोस्तों, मैं अभी जा रही हूँ, उसको आप लोग को नहीं बताऊँगी कि कहाँ जा रही हूँ, आ जाऊँगी उसके बाद मैं आप लोग को दिखाती हूँ कि मैं कहाँ जा रही हूँ, क्या करने गई थी और क्या लेके आई हूँ, उसको आप लोग को दिखाऊँगी। भूतनी, अभी मैं आ चुकी हूँ घर। अब ये हो रहा है 8:30 से ज़्यादा हो रहा है, तो मेरे को अब रेडी होना है क्योंकि पूजा करने जाना है। 9:30 बजे तक हम लोग को जाना है, तो मैं रेडी होंगी। और मैं कहाँ गई थी, क्या लेने गई थी, आप लोग को दिखाती हूँ। और चलिए, मेरा क्या क्या साड़ी वाड़ी है सबको दिखाती हूँ, है ना। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, ये मेरे तीज का साड़ी है, मैं अभी इसको पहनने वाली हूँ, इसीलिए माता रानी को इसको पहले भेंट करी हूँ, उसके बाद पहनूंगी। और हाँ, ये लेने गई थी मैं अभी, ये मेरा पायल है, मिश्रिक पापा मेरे को ये गिफ्ट में दिए हैं, तो ये मेरा पायल है, मेरे को घुंघरू वाला पायल बहुत ज़्यादा पसंद है दोस्तों, तो ये मेरे को अभी गिफ्ट में मिला है। और ये मैं, ये भी मैं माता रानी को पहले चढ़ाई हूँ, उसके बाद पहनूंगी। तो ये मेरा साड़ी है, अभी मैं पूरा तैयार हो जाती हूँ, फिर आप लोग को फिर दिखाती हूँ कैसे लग रहा है मेरा साड़ी, बताइए। इसमें ब्लाउज है, रेडीमेड ब्लाउज है, और ये उसका पूरा सेट है, है ना। तो चलिए दोस्तों, मैं पहन लेती हूँ अभी, जल्दी तैयार होना है मेरे को। दोस्तों देख सकते हैं, मैं पूरा रेडी हूँ पूजा में जाने के लिए, तो मेरा पूरा सामान भी रेडी है, मैं सब कुछ रेडी करके रखी हूँ। और ये देखिए, मिस्टी को भी रेडी कर दी हूँ, और ये वही साड़ी है जो मैं अभी आप लोग को दिखाई हूँ। ये देख सकते हैं कैसा लग रहा है, बताइएगा, है ना। तो चलिए दोस्तों, मैं रेडी हो गई हूँ, और पूजा में जाना है तो देर हो जाएगा, तो जल्दी से चलती हैं। देखिए, मेरा मेहंदी और कलर आ गया, मैचिंग मैचिंग का चूड़ी, कैसा लग रहा है ज़रूर बताना। और मिश्रिक पापा हम लोग को अभी छोड़ने जा रहे हैं, तो मैं सब कुछ रख लेती हूँ अपना। ये देखिए, मेरा सामान सब कुछ मैं रख ली हूँ, चलो जी। संकल्प लेंगे सभी, संकल्प लेंगे। गौरी गणेश का ध्यान करेंगे, कल भगवान का ध्यान करेंगे। ओम नाराम गणपति मंगल शुद्धोदकानं समर्पयामि। सुंदर निरंकार स्वरूप कालेश्वर महायोगी, ये भी बताने की कृपा करें कि मैं आपकी भक्ति कैसे इस व्रत के प्रभाव से सर्वस्व इस व्रत के शास्त्रों ने कहा है। उसे कड़ी गीली होगी ना, कल का पानी गया है, मिला ले। हेलो, मैं कर दूँ कन्नी जी। Thank you.
तो दोस्तों अभी घर आ चुके हैं और अभी देखिए कितना टाइम हो गया है, 12:30 से ज़्यादा हो गया है। ये देखिए 12:30 से ज़्यादा हो गया है और सब लोग रुकेंगे वहाँ, रात भर रुकेंगे। सुबह 6 बजे तक अपना, 4 बजे जाएंगे नहाने के लिए, उसके बाद में नहा धो के फिर से जाएंगे। पर मैं वहाँ, सब लोग पानी चाय सब पी रहे थे, मैं नहीं पी हूँ, मैं घर आ गई हूँ। मैं अभी भिंसा पानी फटाऊँगी, उसके बाद में उसको पीऊँगी, तो मैं अपने घर में अपना व्रत खोलूँगी, इसीलिए मैं वहाँ नहीं पी खाई। तो चलिए फिर करते हैं जल्दी से और फिर पीती हूँ मैं भी एकदम। कल मतलब कल 24 घंटा हो गया मेरे को खाए पिए, है ना जी? हाँ, नींद लग रहा है बहुत जोर से मेरे को। सो गए थे ना, सो गए थे ये, तो मैं बुलाई हूँ तो लेने के लिए गए थे मेरे को। तो चलिए दोस्तों, मैं भिंसा पानी अपना फटोती हूँ, उसको पीती हूँ, फिर उसके बाद सो जाऊँगी। पानी नहीं पीऊँगी अभी, उसी को पीऊँगी। आप लोग को पता है कि नहीं भिंसा पानी क्या होता है? पता होगा तो बताना, नहीं पता होगा तो भी बताना, मैं आप लोग को दूसरा ब्लॉग भी बताऊँगी, नहीं पता होगा तो।